साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे सॉफ्टोवेयर। साथियों सॉफ्टोवेयर एक बावल रेगुलेटर ये सब गोल की तरह है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन की सॉफ्टोवेयर है क्या। साथियों साथ ही साथ इसकी हम कंपोजिशन की बात करेंगे, की इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, डोज एंड डायरेक्शन फॉर यूज, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे, इंट्रैक्शन की बात करेंगे। साथियों सबसे पहले जानेंगे सॉफ्टोवेयर है क्या। साथियों ये ल्यूपिन की एक लाइफ करके डिवीजन है, उसका ये प्रोडक्ट है सॉफ्टोवेयर बावल रेगुलेटर। साथियों इसमें क्या होता है, इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, जैसा कि इसमें दिया है साथियों, फॉर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नॉन हैबिट फॉर्मिंग। कहने का मतलब है कि इसको खाने से क्या होता है, किसी तरह के हैबिट नहीं पड़ती है, पर्सन हैबिटेट नहीं होता है। जैसे एलोपैथ मेडिसिन खाने से क्या होता है कि मतलब पेट तो साफ हो जाता है, पर उसमें क्या होता है, पर्सन हैबिटेट हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। साथियों ये ट्रूली सेफ है और इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। और साथियों ये जो है क्या हुआ, आयुर्वेद बेस पे इसका जो है प्रिपरेशन हुआ है। साथियों 100% नेचुरल एक्टिविटी के लिए है, हाई फाइबर फार्मुलेशन है, इनरिच विद सोना मुखी एंड हरद मुलेठी एंड सौंफ इसमें है। साथियों ये 100 ग्राम की बोतल है। साथियों इसके अंदर पाउडर फॉर्म में जो है सॉफ्टोवेयर है। साथियों इसमें डोज के बारे में भी दिया है एंड स्टेप कैसे लेना है। इसको ल्यूक वार्म वाटर के साथ जो है साथियों क्या है कि 1 स्पून ऐड करके स्टिर करके और जो है क्या हुआ बेड के टाइम लेना है और मॉर्निंग में पेट साफ हो जाता है। तो साथियों डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, 100 ग्राम का है, ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। साथ ही साथ इसकी जो MRP 127 रुपये है, ये आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक किसी भी केमिस्ट की दुकान पर जाएंगे सॉफ्टोवेयर नाम से आसानी से मिल जाएगा। साथियों इसमें खास बात यह है कि किसी तरह के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। साथियों तो डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो इट इज़ यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एंड इनडाइजेशन। साथियों ये जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है और जिनको क्या होता है कि भोजन जो है पचता नहीं है और पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये सब गोल है। इट एक्ट एज ए नेचुरल रेमेडी है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए। साथियों इट रेगुलेट बावल मूवमेंट, और ये क्या करता है, छोटी आँख जो होती है बावल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, एक्टिवेट द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। और क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस को जो है सिक्रीट करता है और उससे क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है डाइजेशन, जिससे क्या होता है कि इट हेल्प टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन बाय सॉफ्टिंग द स्टूल। और ये साथियों क्या होता है कि स्टूल जो हार्ड हो जाता है और बाइल जूल जब सिक्रीट होता है तो उसको जो है क्या होता है कि मतलब सॉफ्ट कर देता है, और जब सॉफ्ट कर देता है तो मॉर्निंग में जब जो है पर्सन क्या होता है कि बाथरूम के लिए जाता है और लैट्रिन करता है तो उसका पेट साफ हो जाता है। साथियों इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है सॉफ्टोवेयर के, नेचुरल इंग्रेडिएंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन सच एज इसबगोल इसमें मिला है, जो कि रिच इन द फाइबर्स है, लग्जेटिव इन नेचर होता है इसबगोल, जैसा कि अभी बताया है। इट एक्ट एज ए बावल रेगुलेटर, और ये बावल रेगुलेट का काम करता है। कैन ट्रीट टू लूज द स्टूल्स, और ये क्या होता है, जो पेट में स्टूल जो है बहुत हार्ड हो जाता है और बावल जो है डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रीट करके उससे क्या होता है, स्टूल को जो है ढीला कर देता है और उससे पेट साफ हो जाता है। साथ ही साथ है इरिटेबल बावल सिंड्रोम। साथियों जैसा कि बताया ल्यूपिन प्रोडक्ट का है, 127 रुपये का है। साथियों केमिस्ट की दुकान पे इजीली से मिल जाएगा। ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, कंपोजिशन की बात करेंगे। साथियों जब भी परचेज करेंगे इसमें दिया है साथियों, ये देखिए लिखा है प्रॉपर्टी आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपोजिशन पाउडर, ईच 5 ml कंटेंट्स, जैसा कि इसमें लिखा है ईच 5 ml कंटेंट, इसबगोल इसमें 2 ग्राम मिला होता है, एंड सोना मुखी जो है 0.75 ग्राम मिला होता है, हरद इसमें मिली है 0.50 mg, और इसमें क्या है अमलतास मिला है 0.50, एंड मुलेठी मिली है इसमें, गुलाब जल मिला है साथियों, सौंफ मिला है साथियों, इसमें सौंफ का तेल भी मिला है और शर्करा भी मिला है इसमें, एंड सोडियम बेंजोएट भी मिला है साथियों इसमें। तो ये बेस्ट जो है आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, किसी तरह का इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। साथियों इसकी की बेनिफिट की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, जैसे इसमें दिया भी है साथियों। साथियों इंडिकेशन की बात करेंगे, कॉन्स्टिपेशन एंड इरिटेबल बावल सिंड्रोम हैबिट, जिनको प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, उसके लिए जो है ये उपयोग किया जाता है।
विस्तार में बात करेंगे इसके यूजेस की, तो क्या है, प्रोवाइड इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, जिनको बहुत ही क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म से कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें बहुत ही लाभकारी है बाय सॉफ्टनिंग दी स्टूल, और उससे क्या होता है पेट जो है साफ हो जाता है अगर रात में इसको खाते हैं। साथियों इट इज ऑल्सो यूज टू मेंटेन द हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है हेल्दी रखता है और उसको मेंटेन रखता है। एंड इट इज टू ट्रीट इनडाइजेशन एंड इम्प्रूव द सिम्टम्स सच एज स्टमक डिस्कम्फर्ट एंड एब्डोमिनल पेन। साथियों क्या होता है कि पेट में जो ऐठन मरोड़ होती है और आदमी अच्छा फील नहीं करता है, जब कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो उसको क्या होगा कि अजीब सी जो है टेंशन हेजिटेशन होगी, तो वो जो है सभी समस्याएं इससे दूर हो जाती हैं। रेगुलेट बावल मूवमेंट एंड कीप योर स्टमक हेल्दी, और ये पेट को हेल्दी रखता है। और साथ ही साथ क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस को जो है सिक्रीट करता है, उससे क्या होता है इम्प्रूव हो जाता है डाइजेशन सिस्टम जो है इम्प्रूव हो जाता है। तो साथियों इसका मोटा मोटी देखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथियों डोज और डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, कंज्यूम 1 or 2 spoons विद ल्यूक ऑफ वार्म वाटर, कहने का मतलब है 1 or 2 spoons रात में सोते वक्त गुनगुने पानी के साथ जो है इसको पहले स्पून से इसको ड्राई पाउडर इसका ले लिया जाता है, फिर उसके बाद वाटर को जो है पी लेते हैं 1 glass जो है वार्म वाटर या एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको जो है पाउडर को वाटर में स्टिर करके उसके बाद पी लेते हैं, तो उस तरह से भी इसको आप ले सकते हैं। साथियों वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे तो अगर किसी को जो है मतलब छोटी आंत में या बड़ी आंत में किसी तरह का ब्लॉकेज है या आंत की प्रॉब्लम है या इन्फ्लामेशन आंत में है, ऐसे केस में ये पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है जैसे मतलब इसबगोल से पहले आपने लिया है और आपको सूट नहीं किया है, ऐसे केस में इसको नहीं लेना है। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो जो भी जैसे खांसी आ रही है और खांसी में जो सीरप इस्तेमाल होता है कोडीन फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे केस में इस जो है इसबगोल को नहीं लेना है साफ्टवेयर को। साथ ही साथ जिन रोगियों को बहुत हाई शुगर है और इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं ऐसे केस में साफ्टवेयर नहीं लेना है। हाइपो थायराइड जो थायराइड की जो मेडिसिन खाते हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों डायरेक्शन फॉर यूज जैसा कि अभी बताया है और जो है इसका इंट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि जब भी आप इसको परचेज करें इसकी जो है मतलब डायरेक्शन फॉर यूज जरूर पढ़ें और रीड द लेबल केयरफुल्ली और बच्चों की इसको जो है पहुंच से दूर रखें। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।